हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी, जो मेरा आज का व्लॉग है वो मेरा स्टार्ट हुआ था कल शाम से। तो जी, मैं मम्मी के यहाँ आई थी और मुझे कुछ काम है मार्केट में, प्लांट्स वगैरह का देखती हूँ। आपके पास वो वाले नहीं होंगे जैसे पॉन्ड होता है, स्मॉल पॉन्ड बनाने के लिए ग्लास का टाइप? नहीं नहीं नहीं, सामने होंगे। अच्छा, ये कितना है? वो देखो है। कितना है? 130। होल है क्या? नहीं, बंद कर देंगे सीमेंट डाल के। अच्छा। आज नहीं पानी डालना, कल डालना। अच्छा अच्छा, तो जी मैंने ये सीमेंटेड पॉट जो होता है पॉट, ये मैंने ले लिया था। और इसके अंदर पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं एक्वेटिक प्लांट वगैरह रखूँगी, बट फिर मुझे तभी मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मतलब मेरा फ़िश टैंक का भी दिल कर रहा है, तो क्यों ना मतलब मैं ऐसे फ़िश टैंक बनाऊँ, पॉन्ड बनाऊँ छोटा। अभी तो मैं लेके आ गई हूँ, इसका इंशाल्लाह सेटअप करेंगे। और इसके अंदर कुछ भी फिल्टर वगैरह या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हम ऐसे ही डाल सकते हैं। और गपीज जो होती हैं, फिश जो होती हैं, वो विदाउट ऑक्सीजन जो होता है ना, मशीन होती है उसके अंदर, फिश टैंक के अंदर, उसके बिना हम डाल सकते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन जो होती है वो एक्वेटिक प्लांट से मिल जाएगी। और बस ये रात हो गई थी और मैं जो थे ये कुछ मैट्स वगैरह थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था धोने का। और ये मैंने रात को सर्फ लगा के अच्छे से घस के और इसको ओवरनाइट मैंने रख दिया था। और ये हो गई थी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं नाश्ता बना रही थी और बस मैंने थोड़ा सा इसमें क्या करा ना कि मेरे हस्बैंड सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि दाल के अंदर मैं कुछ ना कुछ मतलब, जैसे मैंने बोला था कि मैं पालक वगैरह डाल देती हूँ, तो आज मैंने मूली, टमाटर और ये डाल दी प्याज और लहसुन अदरक, सॉरी लहसुन, और फिर उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा मेथी पाउडर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, खाली मूली डाल दी और प्याज और टमाटर तो खैर डलते ही है, तो कुछ ना कुछ मैं सोच रही हूँ बच्चों को या फिर मेरे हस्बैंड को, तो सब्ज़ियाँ मतलब किसी फॉर्म में जानी चाहिए, तो उनको पता भी नहीं चला। क्योंकि एक मूली वाली दाल बनती है जिसमें अलग से मतलब इसमें गला के डालते हैं, वो मतलब फ्लोट होती रहती है मूली, तो इनको पसंद नहीं है, वो नहीं खाएंगे, साइड में छोड़ देंगे। तो मैंने क्या करा, दाल में पका के मूली को और उसको अच्छे से मैश कर लिया, तो वो दाल के अंदर पूरी अच्छे से मैश हो गई थी और पता ही नहीं चला था, ना टेस्ट में फ़र्क आया ना कुछ। तो जी बस अब ये इसको तड़का लग रहा था, मैंने राई और करी पत्ता तेल में डाल के और ग्रीन ग्रीन कच्चा ही ज़्यादा मतलब पकना ही चाहिए करी पत्ता दाल, उसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दी थी और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको पतली चाहिए तो आप उस हिसाब से अपना पानी मिला लीजिए कि कितना चाहिए। और इसके अंदर मैंने क्या करा था ना, इमली का पल्प भी डालता, वैसे मैं बिल्कुल इमली का पल्प किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करती हूँ खाने वगैरह में, जैसे यहाँ पर बहुत यूज़ होता है, दाल में तो खैर होता ही है, पर मैं दाल में भी नहीं डालती, मैं अवॉइड करती हूँ इमली वगैरह। बट आज मतलब थोड़ा सा इनको पता ना चले कि कहीं टेस्ट डिफरेंट है, तो इस वजह से मैंने इमली का पल्प थोड़ा सा डाल दिया। और मेरी दाल बस जो मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला था वो पक रही थी, और बस जब इतने पकी इतने मैंने अपना बस किचन वगैरह साफ़ कर लिया, क्योंकि ये जुमा है और जुमे को बहुत ज़्यादा काम होता है। तो बस इसके बाद मैंने डोसा वगैरह, ये नाश्ता हो रहा है, ब्रंच हो रहा है, 11 बज रहे थे आई थिंक, तो ब्रंच ही हो गया, उसके बाद भूख लग जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं शाम में भी कुछ बनाती हूँ। तो बस नमाज की भी तैयारी करनी थी क्योंकि फ्राइडे था, और मैं जल्दी जल्दी नाश्ता दे दिया था सबको। और ये थी कोकोनट की चटनी, और इसके अंदर मैंने हरा धनिया नहीं डाला था, नॉर्मल ही बनाई थी, जो नॉर्मल कोकोनट चटनी होती है।
तो बस हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था और फिर मैं घर के कामों में लग गई थी। और जो रात मैंने सोक करके रखे थे अपने मैट, जो ये मैट थे उसको मैं वॉश करने लगी थी, क्योंकि अभी नमाज को टाइम था। तो मैं सोच रही थी कि मैं शाम में करूँगी, क्योंकि धूप बहुत होती है, इसी वजह से मैंने रात में इसको सोक भी करे थे। बट टाइम था और मेरे धुल गए थे टाइम से, कुछ 12:30 हो रहे थे और मेरा सारा काम निमट चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। 15 मिनट हो गए मुझे जा नमाज पर बैठे हुए और ये बच्ची मुझे नमाज नहीं पढ़ने दे रही है बिल्कुल भी। ये देखो ये क्या करेगी, खुद उड़ ले। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।